कर्नाटक में उप मुख्यमंत्रियों के लिए अतिरिक्त पद सृजित करने की मांग तेज हो रही है। हालांकि कांग्रेस मंत्रियों और विधायकों के एक वर्ग द्वारा उठाई गई इस मांग पर अब कम से कम आगामी लोकसभा चुनाव तक रोक लगा दी गई है। इस मुद्दे पर राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर और लोक निर्माण विभाग मंत्री सतीश जारकीहोली जैसे प्रमुख नेता मांग कर रहे हैं। अब कर्नाटक में 3 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने की कुछ मंत्रियों की मांग के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कह दिया है कि जब चुनाव नजदीक हो तो ऐसी मांगे नहीं होनी चाहिए। खड़गे ने इस बात से इनकार करते हुए कि उन्हें अभी तक ऐसी कोई मांग प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं को लोगों की समस्याओं को दूर करने पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अतिरिक्त डिप्टी सीएम बनाने की मांग ने राज्य कांग्रेस के अलग अलग गुटों के बीच विभाजन को भड़काने का रास्ता खोल दिया है। राज्य में 3 उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की मांग के बारे में पूछे जाने पर खड़गे ने कहा, यह सवाल मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से पूछे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह मामला अभी तक उनके पास नहीं आया है। ऐसी मांग करने वाले नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए खड़गे ने कहा, चुनाव के दौरान ऐसी अटकलें नहीं लगानी चाहिए। हमें सरकार के कामकाज, लोगों की समस्याओं और गारंटी के कार्यान्वयन पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिद्धरमैया और शिवकुमार इन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जब तक हम अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते हमें ऐसी चीजों की चर्चा से परहेज करना चाहिए। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के एन रजन्ना ने राज्य में 3 उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की मांग करते हुए हाल ही में कहा था कि इससे कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में अधिकतम सीटें जीतने में मदद मिलेगी। उन्होंने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का उदाहरण दिया जहां 1 से अधिक उप मुख्यमंत्री है। हालांकि आलाकमान कांग्रेस नेताओं की डिप्टी सीएम की मांग के आगे झुकने को तैयार नहीं है। इस मांग को काफी हद तक सरकार में एकमात्र डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के दबदबे को खत्म करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि कांग्रेस नेताओं ने 3 अतिरिक्त डिप्टी सीएम पदों के सृजन के लिए AICC के कर्नाटक प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला पर दबाव डाला है। जहां डीके शिवकुमार एक वोका लेगा डिप्टी सीएम है, तो वहीं परमेश्वर और जारकीहोली जैसे लोग अतिरिक्त डिप्टी सीएम के रूप में एक लिंगायत, दलित और अल्पसंख्यक नेता चाहते हैं। उनके मुताबिक इस व्यवस्था से पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में इन समुदायों के वोटों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। लेकिन फिलहाल खड़गे के बयान के बाद इतना साफ होता दिख रहा है कि ऐसी कोई रणनीति कांग्रेस की फिलहाल तो नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।